सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला है जो कि 10,000 के बजट के अंदर आप ले सकते हो, यानी कि 10,000 से नीचे होंगे वो सारे स्मार्टफोन हैं। काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो इन्हीं पाँच स्मार्टफोन से कोई भी एक चूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जानते हैं इन पाँच स्मार्टफोन के बारे में। सो गाइस यहाँ पर बात करते हैं अभी स्मार्टफोन की। तो भैया इंडिया में काफ़ी बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, सभी जानते हैं, जैसे कि रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, ऐसे भिन्न भिन्न ऐसे स्मार्टफोन्स कंपनी है जो कि काफी ज्यादा सेल करती है इंडिया में। ऐसे में बहुत सारे स्मार्टफोन आते हैं जो कि काफी महंगे हैं। अगर स्मार्टफोन की बात करें तो 2-3 हज़ार से स्टार्ट होते हैं जो कि चलते जाते हैं और 2-2 लाख तक स्मार्टफोन यहाँ पर इंडिया में मिलते हैं। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं अभी की भाई 10,000 की रेंज में हमें कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि ले सकते हैं या फिर लेने चाहिए। सो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला हमारा स्मार्टफोन आता है, वो आता है रियलमी की तरफ से और वो है दोस्तों रियलमी C3। जी हाँ, 3 GB रैम और दोस्तों 32 GB स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आता है। इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है एंड 6.5 इंच की एक HD डिस्प्ले मिलती है, जहाँ पर आप यहाँ पर वीडियोज वगैरह मूवी वगैरह देखने में काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये फोन है, आपको काफी बढ़िया लगेगा फोन। यानी कि 10,000 की रेंज में मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, आप इसे ले सकते हो। और अगर इसकी प्राइस की बात करें हम तो ये 7,999 यानी कि 8,000 के अंदर आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है। इसके अंदर और भी वेरिएंट आते हैं, जैसे कि आप 4 GB और 64 GB स्टोरेज के साथ ले सकते हो और उसकी थोड़ी सी प्राइस हाई हो जाएगी। सो ये स्मार्टफोन आप चूज कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारा दूसरा जो स्मार्टफोन आता है वो भी आता है रियलमी की तरफ से, यानी कि रियलमी एक ऐसा ब्रांड है जो कि हर बजट लेवल में अपने स्मार्टफोन्स का निकालता है, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन्स होते हैं। सो यहाँ पर दूसरा जो हमारा फोन आता है वो भी रियलमी और वो है दोस्तों रियलमी नार्जो 10A। दोस्तों हम मानते हैं कि जैसे रियलमी नार्जो आया है तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन की कीमत में काफ़ी बड़ा जो घटाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रियलमी नार्जो में आपको गेमिंग फीचर्स यानी कि गेमिंग फीचर्स एंड प्रोसेसर आता है वो भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा दिया जाता है। सो गेमिंग के लिए रियलमी नार्जो 10 है काफ़ी बढ़िया फ़ोन हम मान सकते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम कि इसके अंदर स्टोरेज जो आती है वो आते हैं दोस्तों 64 GB एंड रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 GB की रैम मिलती है और इसकी प्राइस की बात करें तो 8,499 यानी करीबन आपको 8,500 के बीच में आपको ये मिल जाता है, यानी कि 8,500 के प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन मिलता है। इसकी भी बैटरी जो आती है वो दोस्तों 5000 mAh की बैटरी आती है जो कि आपकी गेमिंग वगैरह मूवी वगैरह आराम से पूरे दिन आपका स्मार्टफोन चल जाता है और ये काफ़ी बढ़िया एक स्मार्टफोन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो गाइस अब टाइम आता है वो तीसरे स्मार्टफोन की जो कि आता है MI की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पर कुछ दिनों पहले काफ़ी कंपटीशन था रियलमी MI में और यहाँ पर जो MI भी अपने काफ़ी स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च करता है, काफ़ी स्मार्टफोन नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो यहाँ पर बात करते हैं 10,000 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है MI का, तो यहाँ पर दोस्तों आता है तीसरे नंबर पर रेडमी 8 जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम इसकी रैम की तो भैया आपको यहाँ पर 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है जो कि हमारे 10,000 के बजट में यहाँ पर करीबन यानी कि सेट हो जाता है। और यहाँ पर इसकी प्राइस है दोस्तों 9,499 करीबन रियलमी नार्जो 10A से 1,000 ज़्यादा और यहाँ पर आपको वही फीचर्स मिलते हैं जो कि रियलमी नार्जो 10A में मिलते हैं। हाँ कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर एडवांस देखने को मिलती है, इसी तरफ से यहाँ पर कैमरा वगैरह आपको थोड़ा बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर इसी तरह आपको यहाँ पर जो काफ़ी बढ़िया ये स्मार्टफोन MI के अगर आप फैन हो तो MI आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ हमारे चौथे स्मार्टफोन की जो कि आता है Realme की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Realme के काफ़ी स्मार्टफोन इंडिया के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर जो हर बजट रेंज के अंदर आपको Realme का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा जो स्मार्टफोन है वो भी है Realme की तरफ से और वो है दोस्तों Realme 5। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हम 10,000 के अंदर इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि 10,000 ही मान सकते हैं क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो है 9,999 यानी कि 9,999 से स्टार्टिंग होता है ये। और यहाँ पर जो आपको 10,000 के अंदर आपको यानी कि 9,999 के अंदर 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ साथ आपको यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज से ये स्टार्ट होता है और आपको यहाँ पर अलग अलग इसके वेरियंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसकी बैटरी जो आती है वो भी 5000 mAh की आती है एंड इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है, इसकी जो परफॉर्मेंस हम मानते हैं वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। साथ
साथ आपको यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सो अगर आपका बजट 10,000 है और अगर आप Realme का फोन यूज करना चाहते हो सो आप Realme 5 चूज कर सकते हो। काफी बढ़िया स्मार्टफोन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अब नंबर आता है पांचवे स्मार्टफोन की। जी हाँ, पांचवा ऐसा कौन सा स्मार्टफोन है जो कि हम ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर बात करते हैं पांचवे स्मार्टफोन की तो वो आता है दोस्तों Vivo की तरफ से। जी हाँ, Vivo भी अब थोड़ा थोड़ा कॉपी करने लगा है Realme MI को, लेकिन यहाँ पर Vivo हम मानते हैं कि काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च करता है यार, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जो बात करते हैं 10,000 के नीचे बजट रेंज पर, तो Vivo का जो U10 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जी हाँ, आपको U10 यहाँ पर Vivo, अगर आपको फ़ोन यूज़ करते हो Vivo की जो UI आपको अगर पसंद है सो आप यहाँ पर जो Vivo का U10 यूज़ कर सकते हो। अगर Vivo U10 की बात करें कि भाई स्टार्टिंग प्राइस जो आती है वो आप, सो आपको यहाँ पर 9-10 रुपए का फ़र्क पड़ेगा जो Realme 5 से, लेकिन आपको यहाँ पर Realme 5 की जो कंपेरिजन में ही आपको सारी चीज़ें मिलती है, यानी कि आपको यहाँ पर 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी, HD डिस्प्ले एंड आपको यहाँ पर जो काफ़ी बढ़िया कैमरा देखने को मिलता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें इस फ़ोन की तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर हाँ, आपको जो Redmi 8 से थोड़ा यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी यार पर देखा हो मैं थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस मिलती है वो Redmi 8 से काफ़ी अच्छी मिलती है। सो आप अगर यूज़ करना चाहते हो Vivo की UI के साथ Vivo का फ़ोन तो आप Vivo U10 10,000 के नीचे ले सकते हो। अगर आपका बजट मैनेज, क्योंकि ये सारे स्मार्टफोन मैंने 5 स्मार्टफोन बताई वो सारे के सारे जो आपके 10,000 के बजट के अंदर फिक्स बैठते हैं, यानी कि हमारे 10,000 बजट के अंदर फिक्स आते हैं, जो कि अगर आपके पास 10,000 का बजट है 5 स्मार्टफोन से कोई भी एक चूज कर सकते हो। सो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर वो भी सोच रहे हैं किसी भी 10,000 के नीचे या फिर 10,000 के बजट में स्मार्टफोन लेना, सो उनको ये वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी। सो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।